mechanism of nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। सी एक्स बंध की ध्रुवता के कारण कोई भी नाभिक स्नेह हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित कर सकता है और एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यह अभिक्रिया दो विधियों के द्वारा संपन्न होती है, यूनिमोलिकुलर एसएन वन एक अणुक एसएन वन वे बाई मोलिकुलर एसएन टू द्विअणुक एसएन टू। पहले हम बात करेंगे यूनिमोलिकुलर एसएन वन रिएक्शन की, उसकी मैकेनिज्म की, एक अणुक एसएन वन क्रियाविधि। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड अणु का धीरे धीरे आयनीकरण होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। दूसरे पद में ये कार्बोकैटायन तीव्र गति से नाभिक स्नेह से संयुक्त होकर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। इसके मंद अथवा वेग निर्धारण पद यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्रियाकारक का एक अणु उपस्थित होता है अतः अभिक्रिया एक अणु अर्थात एचएन1 प्रकार की हुई। क्योंकि एचएन1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है अतः इसका ऊर्जा अवस्था आरेख निम्न आकृति का प्राप्त होता है। एचएन1 अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में कार्बोकैटायन बनता है अतः जो कारक कार्बोकैटायन को स्थायीकृत करेंगे वे इस अभिक्रिया के वेग बढ़ाने में सहायक होंगे। उदाहरण के लिए यदि हम निम्न हैलाइडों की श्रेणी लें तो एचएन1 अभिक्रिया में क्रमशः ये कार्बोकैटायन बनेंगे। हम जानते हैं कि प्रेरणन अर्थात इंडक्टिव तथा हाइपर कॉन्जुगेशन अर्थात अति संयुग्मन प्रभाव के कारण कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार से होता है। अति उपरोक्त श्रेणी के कार्बोकैटायनों के बढ़ते हुए स्थायित्व का क्रम निम्न होगा और एसएन वन की बढ़ती क्रियाशीलता के भी यही क्रम होगा। कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम एसएन वन क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अत्यधिक स्थायित्व के कारण सामान्य अवस्था में इतना आयनिक अवस्था में रहता है कि ये AgNO3 के साथ AgCl का अवक्षेप बना देता है जबकि अन्य कोई हैलाइड प्राथमिक या द्वितीयक AgNO3 के साथ अवक्षेप नहीं बनाता। यहाँ एक बात और स्मरण रखने की है कि घनावेश के संयुग्मन में यदि कोई डबल बॉन्ड हो तो भी वह अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। उदाहरण के लिए एलिल अथवा बेंजिल कार्बोकैटायन जो निम्न प्रकार से अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाते हैं, इन उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं के कारण एलिल तथा बेंजिल कार्बोकैटायन आयन से भी अधिक स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि एलिल अथवा बेंजिल हैलाइड तृतीयक ब्यूटिल हैलाइडों से भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ एक और विशेष बात है कि यदि किसी हैलाइड में हैलोजन परमाणु के संयुग्मन में द्विबंध है तो हैलोजन परमाणु का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है और उसका कार्बोकैटायन बनना ही कठिन हो जाता है। जैसे वाइनिल क्लोराइड वे क्लोरोबेंजीन जो कि निम्न प्रकार के अनुनाद से स्थायीकृत हो जाते हैं। ये वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचनाएं हैं और ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। क्योंकि इन संरचनाओं में हैलोजन परमाणु घनावेश हो रहा है अतः इसका आयनित होकर कार्बोकैटायन बनाना कठिन है। यही कारण है कि ये दोनों यौगिक नाभिक स्नेहों के प्रति उदासीन रहते हैं और इनकी क्रियाशीलता मैथिल क्लोराइड से भी कम होती है। अब हम बात करेंगे एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। पहला है काइनेटिक एविडेंस, गतिज प्रमाण। जब इस अभिक्रिया का गतिज अध्ययन किया जाता है तो हम पाते हैं कि इसका गतिज समीकरण वेग निम्न प्रकार से आता है, वेग इजिकल टू के आर एक्स। अर्थात वेग समीकरण में नाभिक स्नेह की सांद्रता नहीं है
और अभिक्रिया वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के प्रथम घातांक पर ही निर्भर करता है, अतः ये अभिक्रिया एक अणु यूनिमोलिकुलर HN1 प्रकार की है। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, त्रिविम रासायनिक प्रमाण। SN1 अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में एक कार्बोकैटायन बनता है जो कि SP2 संकृत होता है। वे इसका आकार समतल त्रिभुजीय प्लेनर ट्रायंगुलर होता है। यदि हम ऐसे हैलाइड की अभिक्रिया करें जिसमें हैलोजन असममित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो मध्यवर्ती समतली कार्बोकैटायन के दोनों ओर नाभिक स्नेह के आक्रमण की बराबर संभावना होगी। अतः हम D अथवा L विन्यास में से चाहे किसी भी विन्यास वाले हैलाइड से अभिक्रिया प्रारंभ करें, उत्पाद सदैव दोनों प्रकार के विन्यासों का 50-50% DL मिश्रण अर्थात रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होगा। तीसरा है पुनर्व्यवस्था, रीअरेंजमेंट। SN1 अभिक्रिया में चूंकि एक मुक्त कार्बोकैटायन बनता है, अतः इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना बनती है। अतः यदि नियोपेंटिल ब्रोमाइड की एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो बने हुए ईथर के कार्बन परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। चूंकि नियोपेंटिल ब्रोमाइड के आयनीकरण से बना हुआ मूलक 1 डिग्री कार्बोकैटायन पुनर्व्यवस्थित होकर स्थायी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेता है, अतः अपेक्षित ईथर के स्थान पर पुनर्व्यवस्थित ईथर बनता है। एक 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, यह कम स्थायी है। यह 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, यह अधिक स्थायी है। अब हम बात करेंगे बाई मोलिकुलर SN2 मैकेनिज्म, द्विअणुक SN2 क्रियाविधि। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है जब नाभिक स्नेही ही इलेक्ट्रॉन न्यून अतः इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, तब हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉनों को खींचता हुआ दूर हो जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे अर्थात वेग निर्धारण पद में होती है। इसके दौरान एक ऐसी संक्रमण अवस्था आती है जब न तो नाभिक स्नेह पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है और न ही हैलाइड पूर्ण रूप से अलग हो गया होता है, और फिर तीव्रता से हैलाइड आयन निकल जाता है, वे प्रतिस्थापन उत्पाद बन जाता है। क्योंकि अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, अतः इसका ऊर्जा अवस्था आरेख निम्न प्रकार का होता है। इस अभिक्रिया में जो संक्रमण अवस्था बनती है उसमें हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु SP2 संकृत अवस्था में है, वे PZ कक्षक के दोनों लोब पर न्यूक्लियोफाइल वे हैलाइड जुड़े हुए हैं, अतः कार्बन परमाणु की परिधि में कुल 5 समूह स्थित हैं। हम जानते हैं कि कार्बन का आकार अधिक बड़ा नहीं होता, ऐसी स्थिति में उसकी परिधि में 5 समूह का एकत्रित होना उसकी स्थायित्व को कम कर देता है। चूंकि यहाँ स्थायित्व की कमी स्थान की कमी के कारण है, अतः कार्बन से जुड़े शीर्ष 3 समूह का आकार इसके स्थायित्व को प्रभावित करेगा। अब पुनः हम SN1 में वर्णित श्रेणी पर ध्यान दें तो उनकी संपन्न अवस्थाएं क्रमशः निम्न प्रकार की होती हैं, अर्थात जब हम मेथिल से तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की ओर बढ़ते हैं तो कार्बन से जुड़े हुए समूह का आकार बढ़ता जाता है, अर्थात स्थान की कमी बढ़ती जाती है, फलस्वरूप उनका स्थायित्व कम होता जाएगा और SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता भी इसी क्रम में कम होती जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त श्रेणी में हम देखते हैं कि मेथिल हैलाइड की संपन्न अवस्था सबसे अधिक स्थायी है, अतः SN2 अभिक्रिया के लिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है, और तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड का कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थायी है, अतः SN1 अभिक्रिया के लिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है। उपरोक्त के विपरीत एथिल व आइसोप्रोपिल हैलाइड का न तो कार्बोकैटायन अतिस्थायी है और न ही संपन्न अवस्था, अतः ये दोनों ही कम क्रियाशील होते हैं। वे क्रियाविधि भी संयुक्त SN1 व SN2 प्रकार की होती है। इनगोल्ड ने इस ग्राफ के द्वारा मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल व तृतीयक ब्यूटिल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता को स्पष्ट किया। SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण।
एविडेंस इन फेवर ऑफ एसएन टू मैकेनिज्म। पहला है काइनेटिक एविडेंस, गतिज प्रमाण। जब इन अभिक्रियाओं का गतिज अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि इनकी गतिज समीकरण निम्न प्रकार की होती है, वेग इज इक्वल टू के आर एक्स और न्यूक्लोफाइल। अर्थात अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड वे न्यूक्लोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इससे स्पष्ट है कि इसके मंद या वेग निर्धारण पद में न्यूक्लोफाइल भी भाग लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया द्विअणुक है। त्रिविम रासायनिक प्रमाण स्टीरोकेमिकल एविडेंस। जैसा कि हमने ऊपर एसएन2 क्रियाविधि में देखा, इसके वेग निर्धारण पद में एक संकरण अवस्था बनती है। संकरण अवस्था बनने में इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेह का आगमन पीछे से होता है, फलत उत्पाद बनने में अणु का विन्यास इस प्रकार पलट जाता है जिस प्रकार तेज हवा या तूफान में छाता पलट जाता है। अतः यदि एक असममित हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें प्रतिपित इन्वर्टेड अर्थात विपरीत विन्यास वाला प्रतिस्थापन उत्पाद मिलता है। इसे हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिपन का होना उसके द्विअणु एसएन2 अभिक्रिया होने का प्रमाण है। इन अभिक्रियाओं में चूंकि मुक्त कार्बो कैटायन नहीं बनता है, अतः इनके उत्पाद बनने में कार्बन परमाणुओं का ढांचा पुनर्व्यवस्थित नहीं होता है।